कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको हिला के रख देंगे। कुछ फैक्ट्स जो हमें हिला के रख देंगे। चलो सुनते हैं क्या फैक्ट्स जो हमें हिला सकते हैं। हर रात सोने से पहले कोई ना कोई आपके बारे में जरूर सोचता है। हर रात सोने से पहले कोई मेरे बारे में सोचता है। क्यों सोचेगा भाई, मैं क्यों हूँ? मैंने उसके पैसे खाए हैं, या तो मैंने उसके पैसे खाए हैं तो उसको जीना हराम कर रखा है, या फिर ज्यादातर लोग कहीं सोचते हैं तुम्हारे बारे में। कौन सोचेगा भाई, ऐसा मत सोचना कि सोने से पहले तुम्हारे बारे में कोई सोचता है। तुम्हारी और मेरी चकल बिल्कुल गंदी, हमारे बारे में कौन सोचने वाला है यार? जरूर सोचता है। आपकी पूरी जिंदगी में कम से कम आपसे सच्चा प्यार 15 लोग करेंगे। मेरी पूरी जिंदगी में मुझसे 15 लोग प्यार करेंगे, तो भाई वो 15 लोग हैं कहाँ? आज तक तो मेरे को एक भी नहीं मिला। साढ़े कमीने कहीं के मदद ली, पैसे लिए उड़ो के, आज तक तो किसी ने भी पैसे वापस नहीं किए। सच्चा प्यार करने वाले लोग मिलने लगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आज का कलयुग है, आजकल तो भाई कोई पूछने वाला नहीं। तो मैं सगा भाई भी भाई को मार देता है। तुम क्या बोल रहे हो यार, ऐसा मत बोलो। अगर कोई आपसे नफरत कर रहा है तो सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि वो आपके जैसा बनना चाहता है। ये क्या बात हुई भाई, कोई मुझसे नफरत करता है तो मतलब कि वो मेरी तरह बनना चाहता है क्या? बेरोजगार, ढल्ला, मोटा, मोटापा, मेरी तरह है? हद की भी हद होती है यार, ऐसा चूतिया बनना चाहता है, मेरी तरह बनना चाहता है? हद ना यार, मेरी तरह कोई बनना चाहता है ना तो सबसे बड़ा गधा और चूतिया इंसान उसके बारे दुनिया नहीं है पूरी, ठीक है ना? तो प्लीज यार, मेरी तरह बनने की कोशिश मत करो। नफरत करने की मुझसे कोई जरूरत है भी नहीं तुम्हें। अपनी पूरी जिंदगी और इस दुनिया में आपको दो लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपके लिए जान दे सकते हैं। मेरी पूरी जिंदगी में मुझे ऐसे दो लोग मिलेंगे जो मेरे लिए जान दे सकते हैं। मैं कल की बात बताता हूँ, मैंने अपने दोस्त को बोला भाई कुएं में कूदेगा मेरे लिए, बोले हट दुनिया के, तेरे लिए कूदूंगा, तू ही रह गया निठल्ला बेरोजगार, तू रह गया, तेरे लिए कूदूंगा। आज तक जब तक हेल्प मांगी तब तक की मैंने उसकी हेल्प की, जब तक उसने मांगी। और भाई मेरे बारे में ऐसी बात होगी, याद ना यार, कोई नहीं मरता किसी के लिए भाई, कलयुग गया अपनी पड़ी है। वो तुम्हें धक्का दे देंगे कुएं में डालने के लिए, पर कोई तुम्हारे लिए नहीं मरने वाला। जब आप सबसे बड़ी गलती करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई होती है, और ये आपको बाद में जाके पता लगता है। तुम गलती करते हो ना तो उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई होती है, मानता हूँ। चलो मैंने पता है 5th क्लास में क्या किया था, मैंने ना अपने दोस्त के ना थाइस में अंदर ना कंपास घुसा दी थी। अब बताओ इसमें सच्चा क्या बोलते हैं, उसमें क्या बोला था इसने, मैं फिर भूल गया वही, क्या बोला, अच्छाई क्या है इसमें, अच्छाई क्या है? मैंने उसके थाइस में जो कंपास घुसा के मार दी तो उसमें अच्छाई कहाँ है, कहाँ है अच्छाई? मेरे को भी दिख रही है कहीं अच्छाई, बुरी बुरी होती है भाई, गलती गलती होती है। हमारे जीवन में कम से कम 3 से 4 लोग ऐसे हमें जरूर मिलते हैं जिन्हें हम जानते नहीं और वो हमसे प्यार करते हैं। ये तो सबसे चूतिया फैक्ट हुआ कि हमारे जीवन में हमसे कोई 3 से 4 लोग मिलते हैं जो हमसे, हमें उनके जानते नहीं पर हमसे वो सच्चा प्यार करते हैं। भाई तो उन लोगों से मिलना ही हो, जब मैं उन लोगों से मिला तो मैं उन लोगों को जानता ही हूँ ना, बेवकूफ कहीं के, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। ये गलत फैक्ट है, सारी शॉकिंग फैक्ट नहीं है ऐसे। मेरे से रिलेटेड जो है वो कोई शॉकिंग फैक्ट नहीं था, तुम्हारे से रिलेटेड है। तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सीधा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।